और एक क्वेश्चन है, बोल रहा है कॉस ए माइनस साइन ए प्लस वन बाय कॉस ए प्लस साइन ए माइनस वन। मैं अगर ना साइन से डिवाइड कर दूं तो मेरे को मिलेगा कॉट ए और कॉस ए के, बहुत बढ़िया। और अगर मैं कॉस से डिवाइड करूं तो भी मिल बढ़िया, ठीक है। वन एक फॉर्मूला यहाँ हम इस्तेमाल करेंगे, वन प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर ए, और मैं वन का जगह में कुछ ऐसा बैठाऊँगा कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। अच्छा, तो मैं चाहूँगा कि मेरा लेफ्ट साइड में कॉसेक आए और राइट साइड में कॉट ए आए, है ना। तो कॉसेक और कॉट ए, अच्छा ठीक है, मैं एक बार काम करता हूँ, साइन से डिवाइड कर देता हूँ पूरा इक्वेशन को, ठीक है। डिवाइडिंग बाय साइन, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डेनोमिनेटर बाय साइन ए। अगर ऐसा करूँ तो क्या हो जाएगा, देखो कॉस ए बाय साइन ए माइनस साइन ए बाय साइन ए प्लस वन बाय साइन ए, है ना बच्चों, कुछ ऐसे हो जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, और ये कॉस ए बाय साइन ए प्लस साइन ए बाय साइन ए। देखो बच्चों, ये स्टेप ना जो समझ चुका है उसको लिखने का जरूरत नहीं होता, वो डायरेक्ट क्या आएगा, देखो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो कॉस ए बाय साइन ए कितना होता है कॉट ए, तो आपने डायरेक्ट कॉट ए लिख दिया। साइन ए बाय साइन ए कितना होता है वन होता है, तो वन लिख दिया। वन बाय साइन ए क्या होता है कोसेक होता है, आपने डायरेक्ट कोसेक लिख दिया। लेकिन ये तब करना जब आप एक्सपर्ट हो चुके हैं, आपको सारा फॉर्मूला ठीक से आता है, ठीक है। कॉस ए बाय साइन ए क्या होता है कॉट ए प्लस वन माइनस कोसेक, ठीक है, है ना। अच्छा मैं एक काम करता हूँ, कोसेक को उस तरफ ले जाता हूँ, तो कोसेक ए प्लस कॉट ए माइनस वन करता हूँ, कुछ ऐसे लिख लेता हूँ इसको, और इधर इधर पे जो है वही रहने दो, कॉट ए प्लस वन, नीचे नहीं छेड़ेंगे, ठीक है। हम इस क्वेश्चन में नीचे छेड़ने वाले नहीं है, नीचे जैसा है वैसे रहने देंगे। अब मैंने क्या कहा, मैं वन का जगह ये बैठाऊँगा, कोसेक स्क्वायर है माइनस कॉट स्क्वायर है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, वन का जगह मैं यहीं बैठा देता हूँ, वन का जगह मैं क्या बैठाऊँगा कोसेक ए में लिख लेता हूँ पहले। इस वन का जगह मैं क्या बैठाऊंगा बच्चों, में कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, मैंने यहाँ निकाल के रखा हुआ है, आपको कैसे हमारा आया मैंने आपको बता चुका हूँ पहले, ठीक है, इस वाले आइडेंटिटी से आया, ठीक है। ओके बच्चों, ये वाला बात समझ में नहीं आया, आया कि नहीं आया बता दो, एक बार कमेंट करके बता दो, ये वाला बात समझ में आया कि नहीं आया, कि मैंने वन का जगह ये कैसे बैठाया, मैंने इस वन के जगह ये कैसे बैठाया, समझ में आया तो बता दो। अच्छा, अब कोसेक स्क्वायर है माइनस कॉट स्क्वायर है, राइट, तो मैं इसको ए माइनस बी ए प्लस बी भी, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला दिख रहा है मेरे को, तो आपको पता है मैं क्या कर सकता हूँ, इसको कोसेक ए में पहले लिख लेता हूँ प्लस कॉट ए आगे वाला, इसको छेड़ना नहीं। यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, मैं एक ऐसा बड़ा ब्रैकेट लेके मैं ऐसा कर सकता हूँ, कोसेक ए प्लस कॉट ए, फिर और क्या, कोसेक ए माइनस कॉट ए, और यहाँ क्या है, यहाँ पे आपका है बच्चों कॉट ए प्लस वन माइनस कोसेक ए, ओके बच्चों। अब देखो मैंने क्या किया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दिया, मैंने क्या किया ए प्लस बी और ए माइनस बी, ओके। अब देखो मैं कॉमन निकालूंगा, क्या करूंगा बच्चों, कॉमन निकालूंगा, तो कॉमन में निकालूंगा तो क्या निकालूंगा, दोनों में मेरे को क्या दिख रहा है, कोसेक ए प्लस कॉट ए यहाँ पे भी दिख रहा है और कोसेक ए प्लस कॉट ए मेरे को यहाँ पे भी दिख रहा है, तो मैं कॉमन निकालूंगा, क्या कॉमन निकालूंगा, ऊपर कोसेक ए प्लस कॉट ए में कॉमन निकालूंगा, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, यहाँ पे बच जाएगा वन, वन बच जाएगा, तो मैं यहाँ लिख दूंगा वन माइनस, क्यों यहाँ पे माइनस है,
और यहाँ पे तो ये कॉमन निकल चुका, तो बचा क्या ये वाला cos sec a माइनस cot a, तो मैं ये क्या लिख दूंगा माइनस के साथ ब्रैकेट में cos sec a माइनस, प्लस में था ना क्या, माइनस में, अच्छा माइनस cot a। नीचे क्या था बच्चों देखो, नीचे cot a प्लस वन माइनस cos sec है, cot a प्लस वन माइनस cos sec a है। अभी देखो कोसेक ए प्लस कॉट ए है ना बच्चों, क्या है कि वन माइनस कोसेक ए प्लस कॉट ए, क्यों माइनस तो भैया इंटू करेगा तो माइनस प्लस माइनस 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 प्लस, ठीक है। अच्छा ये क्या आ गया कॉट ए प्लस वन माइनस कोसेक ए। अब इनको और इनको ध्यान से देखो, वन वन माइनस कोसेक ए माइनस कोसेक ए, कॉट ए कॉट ए, सारे के सारे सेम है और हम इसको काट सकते हैं एक बार में क्योंकि यहाँ इंटू है, ठीक है। बचा क्या कोसेक ए प्लस कॉट ए, और हमें लाना क्या था बच्चों कोसेक ए प्लस कॉट ए। देखो बच्चों ये लाना था मेरे को राइट साइड में, दैट मीन्स मेरा प्रूफ हो गया एल एच एस बराबर आर एच एस, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, दैट मीन्स हम क्या करेंगे बच्चों हैंस प्रूव्ड। ओके बच्चों,